हेलो एवरीवन, वेलकम। नाउ वी विल स्टडी द सब्जेक्ट पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ DRT पार्ट सेकेंड। तो जैसा कि पेशेंट केयर के अंदर हम CPR के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एक इमरजेंसी प्रोसीजर है जब किसी भी पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट एंड लंग्स, फंक्शन करना बंद कर देते हैं या फिर उनके वाइटल साइंस आपको जीरो मिलने लग जाते हैं। दैट मींस एब्सेंट, ना तो आपको लंग्स का वाइटल साइन मिलता है ना आपको यहाँ पे हार्ट का वाइटल साइन मिलता है। तो उस कंडीशन के अंदर ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ताकि हार्ट और लंग्स रिकवर हो सके, उनका फंक्शन रीस्टार्ट हो सके और उनके वाइटल साइंस आपको प्रॉपर मिल सके। तो जैसे कि CPR के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो साइकिल है, प्रोसेस है, उसके अंदर पहले जो सीक्वेंस यूज़ किया जाता था वो था ABCD, बट अभी इसका सीक्वेंस है CABD, और जिसके अंदर जो फर्स्ट लेटर है C, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, सर्कुलेशन कंप्रेशन। दैट मीन्स सी का मतलब है यहाँ पे सर्कुलेशन। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि हर्ट के सर्कुलेशन को चेक करते हैं, दैट मीन्स ब्लड सर्कुलेशन को। अगर ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट मिलता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसर्स किए जाते हैं और वो है कंप्रेशन का प्रोसेसर। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको पल्स चेक करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था कि अडल्ट हो तो आप कहाँ से चेक करोगे, चाइल्ड हो तो आप कहाँ से चेक करोगे और इन्फेंट हो तो किस तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले पल्स चेक करनी है। अगर पल्स 6 से 10 सेकेंड तक क्या मिलती हैं, एब्सेंट मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं। चेस्ट कंप्रेशन की जो रेट होती है वो चाहे अडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, रेट एक ही रहेगी, 100 कंप्रेशन पर मिनट। इसके बाद में अगर अपन बात करें डेप्थ की या फिर साइट की, लोकेशन की, तो वो अलग अलग है, डेप्थ भी अलग अलग है, लोकेशन भी अलग अलग थी। देन उसके बाद में जो रेशियो था, सर्कुलेशन वेंटिलेशन रेशियो, दैट मीन्स कि कितने, सॉरी सर्कुलेशन नहीं, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, दैट मीन्स कि कितने कंप्रेशन के बाद में वेंटिलेशन दिया जाए पेशेंट को, तो वो रेशियो भी अलग अलग था, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो आगे के तीन प्रोसेसर है, ABDD, सी के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था, ABD के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Now we will discuss about the second step of the CPR, which is airway. इसको अपन capital A से denote करते हैं। अब जैसे कि क्या होगा कि जो first step थी जिसके अंदर आपने patient को compression provide करे, जिसके अंदर आपने ये भी लिखा है कि compression to ventilation ratio कितना होना चाहिए, 30:2 या फिर 15:2, डिपेंड करता है कि रेशियो कितने अवेलेबल है वहाँ पे और पेशेंट कैसा है, चाइल्ड है या फिर एडल्ट है। तो दैट मीन्स कि जैसे ही आपने वहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड की पेशेंट को, उसके बाद में अब आपको वेंटिलेशन देना है। तो वेंटिलेशन से पहले आपको सेकेंड स्टेप जो कि क्या है, एयर वे, वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, आफ्टर गिविंग 30 चेस्ट कंप्रेशन रेस्क्यू शुड ओपन द विक्टम्स एयर वे। दैट मीन्स कि 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद में विक्टम, दैट मीन्स पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का जो एयर वे है जहाँ से आप पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करा सकते हो, फॉर एग्जांपल नोज, माउथ, फेरिंग्स, ठीक है, उसको ओपन करना है। कई बार क्या होता है कि वोमिटिंग या फिर फॉरेन पार्टिकल्स या फिर किसी और कंडीशंस की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसको ओपन करना है, फर्स्ट क्लीन वोमिट्स फॉरेन पार्टिकल एंड सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ। दैट मीन्स कि माउथ का कोई सिक्रेशन या फिर वोमिटिंग या फिर और कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर एयर वे के अंदर हैं तो उसे क्लीन किया जाए। क्लीन क्यों, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उसको वेंटिलेशन देने वाले हो। कंप्रेशन दिया, कंप्रेशन देने के बाद में एयर वे को क्लीन करोगे। क्लीन क्यों करोगे, बिकॉज आपको वेंटिलेशन देना ताकि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो परफॉर्म हो सके।
द रेस्क्यू शुड ओपन द पेशेंट एयर वे आइदर विद जो थ्रस्ट और द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट. दैट मीन्स कि जो रेस्क्यू है वो पेशेंट का जो एयर वे वो ओपन करने के लिए दो मेथड्स अप्लाई कर सकता है. एक तो है जो थ्रस्ट, जो थ्रस्ट दैट मीन्स जो को ओपन करके, दूसरा है और द हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, दैट मीन्स हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके और चिन को लिफ्ट करके भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के एयर वे को ओपन कर सकते हैं. ओपन करने के बाद में क्या करना है, कीप नेक एंड हेड हाइपर एक्सटेंडेड. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक और हेड को हाइपर एक्सटेंड करना है. नाउ क्लीन द एयर वे, क्लीन की स्पेलिंग सही कर लेना, CLEAN. अब एयर वे को क्या करना है, क्लीन करना है. उसमें से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी सिक्रेशन, कोई भी वोमिट या फिर वोमिटिंग के पार्टिकल्स, उनको सबको रिमूव करना है. बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो आप वेंटिलेशन प्रोवाइड करने वाले हो, दैट मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड कराने वाले हो पेशेंट को. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेप, जो कि अपन बात कर रहे हैं बार बार, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो. वेंटिलेशन क्या होता है, दैट मीन्स ब्रीदिंग प्रोवाइड कराना. ऑब्वियस सी बात है पेशेंट अनकॉन्सियस है, लंग्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करानी होगी पेशेंट को. अब ये किस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे वो देखते हैं. ब्रीदिंग इज असिस्ट बाय लिशन ब्रीथ साउंड एंड वॉचिंग फॉर राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट. सबसे पहले तो अपने को असिस्ट करना है यहाँ पे कि ब्रीदिंग स्टॉप है या नहीं है. तो वो अपन कैसे करते हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन, वाइटल साइंस के अंदर मैंने आपको बताया था रेस्पायरेटरी रेट, चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट को देख के या फिर साउंड को सुन के, ब्रीदिंग के साउंड को सुन के हम पता करेंगे कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो दैट मीन्स कि सबसे पहले ब्रीदिंग असिस्ट करनी है, ठीक है. अगर ब्रीदिंग आपको एब्सेंट मिलती है देन वेंटिलेशन की प्रोसेस अपन स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीदिंग की प्रोसेस. वंस द एयर वे इज क्लियर्ड एंड स्टार्ट टू गिव कंटिन्यूस ब्रीदिंग, दैट मीन्स कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि एयर वे क्लियर है या नहीं है, ठीक है. अगर नहीं है तो दैट मीन्स जो सेकेंड स्टेप थी एयर वे को क्लीन करने की वो परफॉर्म करनी है, उसके बाद में ब्रीदिंग एंड स्टार्ट टू कंटिन्यूस ब्रीदिंग. और पेशेंट को कंटिन्यूस ब्रीदिंग देनी है, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. किस तरीके से, प्रोवाइड वेंटिलेशन बाई माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज. दो कंडीशन है, या तो आप माउथ टू माउथ पेशेंट को वेंटिलेशन प्रोवाइड करा सकते हो या फिर माउथ टू नोज. बट ये जो वेंटिलेशन की प्रोसेस है, जो कि माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज होती है, ये उस कंडीशन में होती है जब आपके पास में आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का जो बैग आता है, दैट मीन्स जिसे एम्बू बैग कहा जाता है या फिर बैग मास्क कहा जाता है, अगर वो अवेलेबल नहीं हो, दैट मीन्स कि ऐसे इमरजेंसी की कंडीशन है जहाँ पे एम्बू बैग या फिर बैग मास्क अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में रेस्क्यू वेंटिलेशन के लिए या तो माउथ टू माउथ मेथड यूज़ करेगा या फिर माउथ टू नोज मेथड यूज़ करेगा. यूज़ एम्बू बैग, बैग मास्क अवेलेबल. अगर आपके पास में एम्बू बैग अवेलेबल है तो फिर उस कंडीशन में आप एम्बू बैग से वेंटिलेशन प्रोवाइड कराओगे. एम्बू बैग किस तरीके से होता है कि दैट मीन्स इसके ऊपर एक मास्क टाइप में लगा होता है, मास्क एक पाइप अटैच होती है, पाइप के ऊपर एक बैलून अटैच होता है, ठीक है. तो दैट मीन्स वो बैलून को क्या करना पड़ता है, बार बार में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. उस एम्बू बैग की सहायता से हम पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड कराते हैं. तो ये आपकी जो थर्ड स्टेप है CPR की, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है. फर्स्ट कंप्रेशन, सेकेंड एयर वे को क्लीन करना, एंड देन थर्ड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड कराना. कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो हो चुका है. अब बात आती है फोर्थ स्टेप की. फोर्थ स्टेप तब परफॉर्म की जाती है जब ये जो तीन स्टेप आपने पेशेंट के साथ किए हैं उस वक्त अगर वाइटल ऑर्गन्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, देन लास्ट फोर्थ स्टेप परफॉर्म की जाती है जिसे डिफेब्रिलेशन कहा जाता है. और डिफेब्रिलेशन का अगर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो मूवीज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेशेंट के वाइटल ऑर्गन्स एब्सेंट हो जाते हैं तो वहाँ पे दो पैडल्स होते हैं, वो पैडल्स के थ्रू शॉक दिया जाता है पेशेंट को. वो जो कंडीशन होती है, वो जो स्टेप होती है, उसे डिफेब्रिलेशन कहा जाता है. इट इज़ आल्सो नोन एज AED. इसे AED भी कहा जाता है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफेब्रिलेटर. अब इसके अंदर होता है क्या, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट डिलीवर एन इलेक्ट्रिकल शॉक. दैट मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक प्रोवाइड कराती है.
क्यों शॉक प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे? बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि हार्ट बीट, ठीक है, जहाँ पे कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, ऑब्वियसली बात है हार्ट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स हार्ट के इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस थे जो कि उसको बीट करा रहे हैं वो एब्सेंट हो चुके हैं. तो दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक से स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो कंडक्शन साइकिल जो बंद हो चुकी थी वो कंडक्शन साइकिल बहुत बार डीफेब्रिलेशन से स्टार्ट हो जाती है. तो उस कंडीशन में पेशेंट को डीफेब्रिलेशन दिया जाता है. डीफेब यूज्ड इन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. दैट मीन्स कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन डीफेब यूज़ करते हैं. तो अबनॉर्मल जो कंडीशन होती है, अबनॉर्मल में क्या होगा, या तो पल्स रेट एब्सेंट है या फिर पल्स रेट बहुत ज़्यादा है. दैट मीन्स कार्डिक अरेस्ट के अंदर अपन डीफेब यूज़ करते हैं. कार्डिक अरेस्ट का मतलब पल्स रेट का एब्सेंट होना. वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया का मतलब यहाँ पे पल्स रेट 150 से 200 मिल रही है आपको, ज़्यादा मिल रही है. एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दैट मीन्स कि पल्स रेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उस वक्त आप उसको फील भी नहीं कर सकते, 200 से 450. जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की अगर अपन बात करें, ये वो कंडीशन है उस वक्त पल्स रेट कभी फील भी नहीं की जाती है. तो इन पल्स रेट को नॉर्मल लाने के लिए डीफेब्रिलेशन यूज़ किया जाता है. नेवर यूज़ इन चिल्ड्रंस बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज एंड अ पर्सन विद वेट बिलो 25 kg, इम्प्लांटेड पेसमेकर एंड नेवर शुड अप्लाइड ऑन द फीमेल ब्रेस्ट. दैट मीन्स कि अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर डीफेब्रिलेशन यूज़ नहीं करना चाहिए. फर्स्ट, चिल्ड्रंस के अंदर जिनकी एज 8 ईयर से कम है, उस कंडीशन के अंदर अपन डीफेब्रिलेशन यूज़ नहीं करेंगे. दूसरा, वो पेशेंट जिनका वेट 25 kg से कम है, उस कंडीशन में भी डीफेब्रिलेशन यूज़ नहीं किया जाएगा. इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पेसमेकर इम्प्लांट कर रखा है, दैट मीन्स पेशेंट इन विच पेसमेकर इज़ इम्प्लांटेड, वी विल नॉट यूज़ डीफेब्रिलेशन. और लास्ट, फीमेल, दैट मीन्स फीमेल के ब्रेस्ट में भी हम डीफेब्रिलेशन यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, तो 4 कंडीशन हो गई, चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर, पेशेंट जिसका वेट 25 kg से कम हो, पेसमेकर अगर इम्प्लांटेड है, और फीमेल ब्रेस्ट. इन 4 कंडीशन के अंदर कभी भी डीफेब यूज़ नहीं किया जाता है. तो ये आपके डीफेब्रिलेशन की कंडीशन है. AED जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डीफेब्रिलेशन. दैट मीन्स कि जब पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता है, कौन सी स्टेप से, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो. कंप्रेशन और वेंटिलेशन जब आप पेशेंट को प्रोवाइड कराते हो, तब हर्ट और लंग्स के अगर वाइटल साइंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है, तो CPR की जो लास्ट प्रोसेस है वो की जाती है, जिसे डीफेब्रिलेशन कहा जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते हैं कार्डियक साइकिल को दोबारा स्टार्ट करने के लिए. अब जैसा कि अगर आपको बता दूं कि जो डीफेब्रिलेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत लेंदी भी है. जैसा कि अपने एक पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एक कोर्स आता है DCLT, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नीशियन, वहाँ पे डीफेब के नाम से सेकेंड ईयर के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट आता है. ठीक है, बट उतना अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपन केवल एक शॉर्ट नोट जितना यहाँ पे डिस्कस करेंगे. AED कंटेन टू पेडल्स. अब अपन बात करते हैं कि AED के अंदर 2 पेडल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी चुके हो वीडियोस वगैरह के अंदर कि वहाँ पे 2 पेडल्स होते हैं. अब अपन बात करते हैं कि दोनों पेडल्स किस तरीके से अपन कौन सी साइड पे कहाँ पे प्लेस करेंगे. 2 पेडल होते हैं, दोनों के अगर कलर कोडिंग की बात की जाए तो दैट मीन्स जो राइट साइड का जो पेडल होता है, जो कि पेशेंट के राइट साइड पर यूज़ किया जाता है, वो वाइट कलर का होता है. ठीक है, और जो लेफ्ट साइड पर यूज़ किया जाएगा वो रेड कलर का होगा. पुट वाइट पेडल राइट बिलो राइट साइड ऑफ द क्लेविकल. दैट मीन्स कि जो राइट पेडल है जो कि वाइट कलर का है, उसे राइट साइड में क्लेविकल के नीचे, क्लेविकल जो बोन है जिसे कॉलर बोन भी कहा जाता है, ठीक है, क्लेविकल बोन के जस्ट बिलो प्लेस करोगे. एंड रेड पेडल, अब अपन बात करते हैं दूसरे पेडल की, जो कि रेड कलर का होता है और जिसे लेफ्ट पेडल भी कहा जाता है, एट द अपेक्स ऑफ द हर्ट. उसे कहाँ पे रखना है, हर्ट के अपेक्स पार्ट पे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस. ठीक है, दैट मीन्स
जो फिफ्थ और सिक्स्थ रिब्स है उनके बीच का जो स्पेस है उसे कहा जाता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, दैट मीन्स फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर अपेक्स ऑफ द हर्ट पे जो रेड पैडल है, जो लेफ्ट पैडल है उसे प्लेस किया जाता है, और जो वाइट पैडल जो कि राइट पैडल है उसे राइट साइड में क्लेविकल के नीचे रखा जाता है। जब अपन सॉक की कंडीशन, सॉक की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर ये दोनों पैडल्स इस तरीके से चेस्ट के ऊपर रखे जाते हैं। अब अपन शॉक देना स्टार्ट करेंगे पेशेंट को, तो वो किस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। गिव 3 शॉक साइकिल इन AED, स्टार्ट विद 200 जूल, देन 300 एंड देन फाइनली 360 जूल। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 साइकिल देनी है एक साथ, ठीक है। 3 साइकिल किस तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल 200 जूल का शॉक देना है पेशेंट को, देन उसको इंक्रीज करके 300 जूल का, एंड देन फाइनली लास्ट के अंदर कितना, 360 जूल का। रिपीट शॉक साइकिल इफ़ पेशेंट नॉट रिकवर्ड, अगर पेशेंट वहाँ पे रिकवर नहीं होता है तो इसी शॉक साइकिल को अपन क्या करेंगे, रिपीट रखेंगे, ठीक है। पेशेंट एंड बेड शुड नॉट बी टच्ड व्हेन प्रेसिंग द शॉक बटन, दैट मीन्स कि जो भी वहाँ पे रेस्क्यू है जो कि डिफेब्रिलेशन की प्रोसेस कर रहा है वो जब शॉक का बटन दबाता है उस वक्त रेस्क्यू ना तो टेबल के टच होना चाहिए, दैट मीन्स कि जिस टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है ना तो उस टेबल के टच होना चाहिए और ना ही पेशेंट के टच होना चाहिए। अगर वो पेशेंट के या फिर टेबल के टच होता है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे जो रेस्क्यू होता है उस रेस्क्यू को भी शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ये डिफेब्रिलेशन की कंडीशन थी, इतना ही डिस्कस करेंगे अपन डिफेब्रिलेशन के बारे में। दैट मीन्स कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पेशेंट को शॉक दिया जाता है। शॉक की जो प्लेस के अगर अपन दो पैडल होते हैं, एक राइट पैडल जो कि वाइट कलर का होता है, एक लेफ्ट पैडल जो कि रेड कलर का होता है। राइट पैडल राइट साइड के अंदर क्लेविकल बोन के नीचे रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, और लेफ्ट पैडल अपेक्स ऑफ द हर्ट पे प्लेस किया जाता है। शॉक साइकिल की अगर अपन बात करें तो स्टार्टिंग अपन करते हैं 200 जूल से, फिर 300 जूल, फिर 360 जूल, और ये साइकिल अपन रिपीट करते रहते हैं जब तक पेशेंट रिकवर नहीं हो पाता, ठीक है। और जब पेशेंट को शॉक प्रोवाइड किया जाता है उस वक्त रेस्क्यूअर ध्यान रखे कि वो खुद ना तो पेशेंट के टच हो और ना ही बेड के टच हो। तो जैसा कि अब यहाँ पे अपना ये CPR का जो प्रोसेस है, CPR का जो टॉपिक है वो कम्प्लीट होता है। बट जो जैसे कि अपनी फर्स्ट जो स्टेप थी कंप्रेशन के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ से असेसमेंट करोगे, कंप्रेशन कितने हाथों से करना है, दैट मीन्स उसके बाद में अपन ने कंप्रेशन लैंडमार्क, डेप्थ, रेशियो इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो उनकी अपन ने एक छोटी सी टेबल बनाई है ताकि अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाए, और शॉर्ट के अंदर अगर डिस्क्राइब करनी हो उसको, कई बार शॉर्ट नोट आ जाए तो शॉर्ट नोट के अंदर अपने को पता है कि अपने पास कम टाइम होता है और वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर नोटबुक के अंदर आंसर शीट के अंदर जगह भी कम अवेलेबल होती है, तो उस कंडीशन में इसको किस तरीके से किया जाए। तो वो है कंप्रेशन की अपन ने एक टेबल बनाई है। टेबल के अंदर 3 कॉलम अपने, एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। रो की अगर बात की जाए तो फर्स्ट रो के अंदर अपन बात कर रहे हैं चेक पल्स। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि पल्स अगर आपको चेक करनी है तो एडल्ट के अंदर कैरोटिड आर्टरी से चेक करोगे, चाइल्ड के अंदर फीमोरल आर्टरी से, और इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल या फिर फीमोरल आर्टरी से। कंप्रेशन की अगर बात की जाए तो एडल्ट के अंदर बोथ हैंड पाम, दोनों हैंड के पाम यूज़ करने हैं, चाइल्ड के अंदर वन हैंड या फिर बोथ हैंड, ठीक है, इन्फेंट के अंदर 2 फिंगर और थंब। कंप्रेशन लैंडमार्क की अगर बात की जाए, बिटवीन द निप्पल लाइन इन एडल्ट, बिटवीन द निप्पल लाइन इन चाइल्ड, एंड बिलो द निप्पल लाइन इन इन्फेंट। डेप्थ की अगर बात की जाए तो एडल्ट के अंदर 2 इंच, चाइल्ड के अंदर 1 और 1.5 इंच, इन्फेंट के अंदर 1 इंच। रेट जो कि सेम रहेगी चाहे एडल्ट हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे इन्फेंट हो, 100 पर मिनट। अगर रेशियो की बात की जाए तो अगर एडल्ट की बात की जाए, चाहे 1 रेस्क्योर हो या 2 रेस्क्योर हो, वहाँ पे रेशियो रहेगा 30:2। 30:2 किसका है, यहाँ पे 30 कंप्रेशन का प्लस 2 वेंटिलेशन का। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को पहले 30 कंप्रेशन दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में उसको 2 बार वेंटिलेशन की प्रोसेस कराई जाएगी, देन उसके बाद में दोबारा से 30 कंप्रेशन। इस तरीके से ये प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक कि पेशेंट के वाइटल साइंस रिकवर नहीं हो जाते। चाइल्ड की कंडीशन अगर आती है तो 2 रेस्क्यू हैं तो वो चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं, 1 रेस्क्यू के ऊपर आती है 15:2, और अगर वहाँ पे सिंगल रेस्क्यू है रेस्क्योर तो वहाँ पे 30:2 का रेशियो रहेगा।
सेम कंडीशन आती है इन्फेंट के अंदर, अगर टू रेस्क्योर है तो 15:2, और अगर वन रेस्क्योर है तो 30:2 की प्रोसेस अपन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ये कंप्रेशन की प्रोसेस हो गई। कंप्रेशन के बाद एयर वे को क्लीन करना है, एयर वे को क्लीन करने के बाद में ब्रीदिंग, दैट मीन्स आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करानी है। जब इन तीनों कंडीशंस के अंदर अगर पेशेंट नहीं रिकवर हो पाता है, देन उसके बाद में डिफेब्रिलेशन की प्रोसेस परफॉर्म करनी है। तो ये आपका यहाँ पे CPR की प्रोसेस कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।